हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीपीजी स्टडी पर। आज का हमारा टॉपिक है, आप तो देख ही सकते हैं हमारा टॉपिक क्या है। क्या आपको पता है साइन 45 डिग्री का मान? क्या आपको पता है टेन 30 डिग्री का मान? क्या आपको पता है? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो इससे भी अच्छी बात है, क्योंकि आज हम आपको यह टेबल जो है समझाएंगे कैसे यह टेबल बनाया जाता है। आपको बता दें कि रटना नहीं समझना है। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। इससे साइन 45 40 60 90 डिग्री कोई भी हो, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे त्रिकोणमिति में। आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इसका मान कैसे निकालते हैं। हमने आपको पहले वीडियो में बता दिया है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। टेन का उल्टा होता है कॉट। और सेक का उल्टा होता है कॉस। साइन का उल्टा होता है कोसेक, टेन का उल्टा होता है कॉट, और सेक का उल्टा होता है कॉस। आपको यह हमने पहली वीडियो में ही बता दिया था। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आपसे आज जोड़ के निवेदन है कि आप हमारा पहला वीडियो जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं कि इसका मान कैसे निकालते हैं। हम सबसे पहले गिन लीजिए क्या किसका किसका मान आपको हमें निकालना है। 0 डिग्री का निकालना है, 30 डिग्री का निकालना है, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान हमें निकालना है। क्या करेंगे इसका मान निकालने के लिए, चलिए देखते हैं। यहाँ पर कितने खाने हैं पहले गिन लेते हैं। कितने खाने हैं गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 कितने खाने हैं? 5 खाने हैं। हम शुरुआत किससे करेंगे? यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, 0 1 2 3 4। शुरुआत करते हैं हम 0 1 2 3 4। अब क्या करेंगे हम, ये जो सबसे लास्ट वाली संख्या है जो 4 दिख रही है, सबसे लास्ट वाली संख्या से सब में भाग दे देंगे। सबसे लास्ट वाली संख्या से सब में भाग दे देंगे। चलिए देते हैं भाग। लास्ट वाली संख्या क्या है? लास्ट वाली जो संख्या वह 4 है। 4 से सब में भाग दे देते हैं। सब में भाग दे दिया। अब क्या करेंगे, सब पर रूट चढ़ा देंगे। रूट मतलब टोपी। इन सब संख्याओं में हमने लास्ट वाली संख्या जो है 4 से भाग दे दी है और सब पर हमने रूट चढ़ा दिया है। अब क्या करेंगे, जब हम 4 का 0 में भाग देते हैं तो कितना आता है? जब किसी भी संख्या का हम 0 में भाग देते हैं तो वह 0 आता है, और जब किसी संख्या का, जब 0 का हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो वह इनफाइनाइट आता है। यह आपको हम बता दें, जब हम संख्या का 0 में भाग देते हैं तो आता है 0। कितना आया? 0। इसका रूट चला देंगे। जब 0 को रूट से निकालेंगे तो कितना होगा? जब 0 को रूट से निकाला जाता है तब वह 0 होता है, या 0 हो गया। मतलब कि साइन 0 डिग्री का मान कितना हो गया? 0। यहाँ लिख दिया हमने, साइन 0 डिग्री का मान हो गया 0। अब इसका निकालते हैं। एक का रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? एक का रूट जब निकालते हैं तो वह हो जाता है 1, और जब 4 का रूट निकालेंगे तो वह हो जाएगा 2। तो इसका क्या हुआ? 1/2। साइन 30 डिग्री का मान आ रहा है 1/2। इसको यहाँ लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, अब इसका देख लेते हैं। इसका जब हम निकालेंगे क्या करेंगे, सबसे पहले
दो का जब इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा दो का जब चार में भाग देते हैं तो कितना बचता है दो। अब यहाँ पर हुआ वन, वन का रूट कितना होगा वन, और इसको जब दो रूट से नहीं निकलेगा तो इसका हो जाएगा रूट टू, कितना आ गया वन बाई रूट टू लिख देते हैं। अब इसका देख लेते हैं कितना आएगा, तीन को आप रूट से निकालेंगे तो नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे हो जाएगा रूट थ्री, फिर चार को रूट से निकालते हैं तो वह आ जाता है दो, क्या हुआ दो, क्या हुआ साइन जीरो डिग्री का मान जीरो, साइन थर्टी डिग्री का मान वन बाई टू, साइन फोर्टी फाइव डिग्री का मान वन बाई रूट टू, साइन सिक्सटी डिग्री का मान कितना आ रहा है रूट थ्री बाई टू लिख देते हैं। अब 90 डिग्री का मान निकालते हैं कितना हो जाएगा, ये चार इस चार से कट गया कितना आया वन, वन का जब रूट निकालेंगे हम लोग तो कितना आएगा वन, वन का रूट वन ही होता है लिख देते हैं यहाँ पर, ये हो गया वन हो गया ना। अब कितना आया साइन जीरो डिग्री का मान वन बाई टू, साइन थर्टी साइन जीरो डिग्री का मान है जीरो, साइन थर्टी डिग्री का मान वन बाई टू, साइन फोर्टी फाइव डिग्री का मान वन बाई रूट टू, साइन सिक्सटी डिग्री का मान कितना आया रूट थ्री बाई टू, और साइन नाइन्टी डिग्री का मान कितना आ रहा है वह आ रहा है वन। अब इसी प्रकार कॉस का निकालेंगे, कॉस का निकालने का एक तरीका है क्या करेंगे, ये साइन है इसका सेम उल्टा, साइन का सेम उल्टा इधर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस का मान आ जाएगा, साइन का जब उल्टा लिखेंगे तो क्या है जीरो की जगह ए वाला अंक लिखेंगे, जीरो की जगह हम ए वाला अंक लिखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस जीरो डिग्री का मान हो गया। सेम साइन का उल्टा लिखेंगे तो कॉस का मान आ जाएगा, अब क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे वन बाई टू की जगह आ जाएगा थ्री बाई टू, फोर्टी फाइव की जगह पर यही रहेगा वन बाई टू, कॉस सिक्सटी की जगह पर आ जाएगा वन बाई टू, और इसकी जगह आ जाएगा जीरो। देखिए साइन का मान हमने निकाला है जीरो डिग्री का मान जीरो, तो कॉस जीरो कॉस जीरो डिग्री का मान कितना होगा वन, साइन थर्टी डिग्री का मान हमने निकाला है वन बाई टू, तो कॉस थर्टी डिग्री का मान हो जाएगा रूट थ्री बाई टू। इसी प्रकार साइन फोर्टी फाइव डिग्री का मान हमने निकाला है वन बाई रूट टू, तो इसका भी हो जाएगा वन बाई रूट टू, साइन फोर्टी फाइव और कॉस फोर्टी फाइव डिग्री का मान सेम होता है, देख लीजिए यहाँ पर वन बाई टू है तो यहाँ पर भी वन बाई टू है, और साइन सिक्सटी डिग्री का मान हमने निकाला है रूट थ्री बाई टू, तो कॉस सिक्सटी डिग्री का मान हो जाएगा वन बाई टू, नाइन्टी डिग्री का मान साइन नाइन्टी डिग्री का मान होता है वन, तो कॉस नाइन्टी डिग्री का मान कितना होगा जीरो, ये तो हमने निकाल लिया। अब टेन का मान कैसे निकालेंगे, टेन का मान निकालने के लिए फार्मूला है, फार्मूला क्या है टेन का होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा। इसी फार्मूले पर हम टेन के सभी डिग्रियों का मान निकालते हैं, इसी फार्मूले पर हम अगर जैसे कि है यहाँ पर साइन जीरो डिग्री का मान जीरो है तो यहाँ लिख देंगे जीरो डिग्री का मान जीरो, ये हो गया, जब इसका वन में भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा जीरो। टेन जीरो डिग्री का मान कितना आ गया जीरो। हमने आपको बताया था कि जब किसी भी संख्या का
जीरो में भाग देते हैं तो वह आ जाता है जीरो। यह हो जाएगा टेन जीरो डिग्री का मान हो गया जीरो। अब 30 डिग्री का मान इसी प्रकार निकाल लेते हैं, टेन 30 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री का मान लिख देते हैं। साइन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2, और कॉस 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2। ये टू इस टू से कट गया तो आ जाता है 1/√3। कितना आया, 1/√3। ये दो इस दो से कट जाता है तो आता है √1/√3। ये आ गया tan 30 डिग्री का मान 1/√3। इसी प्रकार हम 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, 45 डिग्री का मान निकालते हैं। सेम इसी प्रकार साइन 45 डिग्री अपन कॉस 45 डिग्री, ये हो गया साइन 45 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन 45 डिग्री अपन कॉस 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री का मान निकालने के लिए यही करते हैं। साइन 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2। साइन 45 डिग्री का मान आ रहा है 1/2, बटे में इसका कर देंगे कॉस 45 डिग्री का मान जो होता है वह भी 1/√2 होता है। हमने आपको पहले ही बताया कि साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का मान सेम होता है, तो क्या होगा, 1/√2 कट गया एक बार में आ गया, मान कितना आया, tan 45 डिग्री का मान 1 आ गया। तो लिख देते हैं यहाँ पर tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3। अब हम निकालते हैं tan 60 डिग्री का मान कितना होगा, फिर यही फार्मूला लगाएंगे। अब क्या लिखेंगे, जब tan 60 डिग्री का मान निकालना होगा तो लिखेंगे sin 60 डिग्री अपान cos 60 डिग्री, यही तो लिखेंगे जैसे पहले हमने निकाला था। तो क्या करेंगे, sin 60 डिग्री का मान कितना है देख लेते हैं, यहाँ पर है √3/2, तो लिख देंगे √3/2, और cos 60 डिग्री का मान जो था वह आया था 1/2। sin 60 डिग्री का मान √3/2 जो हमने यहाँ लिख दिया, cos 60 डिग्री का मान जो था वह था 1/2 जो हमने यहाँ लिख दिया। अब देखते हैं कौन किससे कटता है, ये दो इस दो से कट गया, अब क्या बचा √3। ये दो इस दो से कट गया तो बचता है √3। तो आप कह सकते हैं कि tan 60 डिग्री का मान जो होता है वह √3 होता है, ये हो गया √3। tan 60 डिग्री का मान जो होता है वह √3 होता है। अब 90 डिग्री का निकाल लेते हैं, अब क्या करेंगे, 90 डिग्री tan 90 डिग्री का मान निकालने के लिए लिखेंगे sin 90 डिग्री अपान cos 90 डिग्री, तो लिख देते हैं sin 90 डिग्री का मान कितना है, यह है 1। sin 90 डिग्री का मान जो हो रहा है वह है 1, और cos 90 डिग्री का मान जो है वह है 0। आपको हमने पहले ही बताया था कि जब 0 का किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उसका मान इनफाइनाइट आता है, ये आ गया इनफाइनाइट। तो यहाँ पर हो जाएगा tan 90 डिग्री का मान जो आया हुआ है इनफाइनाइट। अब आगे देखते हैं,
हमने तो साइन क्रॉस साइन कॉस और टैन का मान तो निकाल लिया, बड़ी आसानी से। साइन का कैसे निकाला? यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच रखा, जो लास्ट वाली संख्या आई उससे चार का चार से भाग दे दिया और उस पर रूट चढ़ा दिया, और रूट से निकलने के बाद जो भी मान आया उसको साइन के डिग्रियों के स्थान पर रख दिया। और कॉस का जब हमने मान निकाला तो क्या किया, सेम साइन का उल्टा लिख दिया। और टैन का हमने फार्मूला आपको बताया था कि टैन का फार्मूला होता है टैन इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा में कॉस थीटा का जब हम भाग देते हैं तो वह टैन का मान आ जाता है, तो ये टैन का मान आ गया। अब कॉस का मान कैसे निकालेंगे? हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि टैन इक्वल टू टैन इंटू कॉट इक्वल टू वन, मतलब कि हो जाएगा टैन का उल्टा हमेशा काट होगा, काट का उल्टा हमेशा टैन होगा, ये तो आएगा। तो क्या करेंगे हम, टैन का सेम उल्टा यहाँ पर लिख देते हैं। टैन का सेम उल्टा कैसे लिखेंगे, यहाँ पर वन है, यहाँ पर है वन, अब टैन जीरो डिग्री का मान जितना होगा उतने से एक में भाग दे देंगे, वही आपका कॉट का मान आ जाएगा। यहाँ पर है वन, कॉट इक्वल टू होता है वन बाई टैन थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू वन बाई टैन थीटा। जब कॉट थीटा का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, वन में टैन जीरो डिग्री, टैन थर्टी डिग्री, टैन फोर्टी फाइव डिग्री, टैन सिक्सटी डिग्री और टैन नाइन्टी डिग्री का मान से हम भाग दे देते हैं। यहाँ पर वन है तो वन लिख देंगे। टैन जीरो डिग्री का मान जब हम जीरो से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा इनफाइनाइट। आपको हमने पहले ही बताया था कि जब किसी भी जीरो का किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उसका मान इनफाइनाइट आता है। तो आ गया ना, जीरो का हम किसी संख्या में भाग दिए तो उसका मान इनफाइनाइट आ गया। अब हम लिख दिए कि कॉट जीरो डिग्री का मान इनफाइनाइट हो गया। सेम इसी प्रकार वन में हम टैन थर्टी डिग्री का मान जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वन बाई थ्री, तो इसका आ जाएगा रूट थ्री। ये एक एक से कट जाएगा या ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा वन बाई थ्री। तो कितना आ गया, टैन थर्टी डिग्री का मान आ गया रूट थ्री। इसी प्रकार हम जब कॉट 45 डिग्री का मान निकालते हैं तो क्या करेंगे, वन में टैन 45 डिग्री का जितना मान होगा उसी से हम भाग दे देंगे। कितना होगा देख लेते हैं, टैन 45 डिग्री का मान जो था वह वन था। जब हम वन में वन से भाग देंगे, जब हम वन में वन से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा वन, ये आ गया और 45 डिग्री का मान आ गया वन। सेम इसी प्रकार क्या करेंगे, यहाँ कॉट 60 डिग्री है, यहाँ पर कॉट 60 डिग्री है, क्या करेंगे, यहाँ पर वन में हम टैन 60 डिग्री से भाग दे देंगे। वन में हम जब टैन 60 डिग्री से भाग देंगे तो क्या होगा, टैन 60 डिग्री का मान जो है वह है रूट थ्री। तो क्या हुआ, कॉस 60 डिग्री का मान आ गया वन बाय रूट थ्री। लिख देते हैं यहाँ पर, ये हो गया। सेम इसी प्रकार हम कॉट 90 डिग्री का मान लिखते हैं, क्या करेंगे, कॉट 90 डिग्री का मान निकालने के लिए वन में टैन 90 डिग्री के मान से भाग दे देंगे। देख लेते हैं टैन 90 डिग्री का मान कितना है, टैन 90 डिग्री का मान है इनफाइनाइट, मतलब कि क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। जब हम इनफाइनाइट का एक में भाग देते हैं तो उसका मान आता है जीरो, जब हम इनफाइनाइट का एक में भाग देंगे तो उसका मान आएगा जीरो। तो
अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं जीरो। अब हमें किसका किसका मान मिल गया, साइन का मान मिल गया, कॉस का मिल गया, टैन का मिल गया और कॉट का मिल गया। किसका बाकी है, सेक और कॉसेक का मान हमें निकालना है। आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। इसका मतलब क्या है कि जो कॉस है उसका उल्टा जब हम यहाँ मान लिख देंगे तो उसका मान हो जाएगा सेक का। सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/2 कॉस थीटा। सेक थीटा होता है 1/2 कॉस थीटा। अगर हम यहाँ पर सेक 0° का मान निकालते हैं तो क्या करेंगे, 1 में क्या करेंगे, कॉस 0° के मान से भाग दे देंगे। 1 में कॉस 0° से के मान से भाग दे देंगे तो वह सेक 0° का मान आ जाएगा। यहाँ पर कॉस 0° का मान है 1, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे। लिख दिया हमने, ये 1 इस 1 से कट गया तो आया 1। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि सेक 0° का मान कितना आ गया, 1 ये आ गया। अगर आपको सेक 30° का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 1/cos 30° लिख देंगे। सेक 30° इक्वल टू होता है 1/cos 30°। तो क्या करेंगे, 1 में जो है यह 1 में कॉस 30° से हम भाग दे देते हैं। 1 में कॉस 30° के मान से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 30° का मान कितना है, √3/2। जब हम √3/2 को उल्टा करेंगे तो हो जाएगा यह 2/√3। तो क्या हुआ दोस्तों, सेक 30° का मान आ गया 2/√3। सेक 30° का मान आ गया 2/√3। इसी प्रकार हम 45° का मान निकालते हैं। 45° का मान निकालते हैं। सेक 45° का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 में cos 45° के मान से भाग दे देते हैं। 1 में cos 45° के मान से भाग दे देते हैं। चलिए देते हैं भाग। 1 में cos 45° का मान कितना है देख लेते हैं, 0 30 45। cos 45° का मान जो है वह है 1/√2। तो क्या हो जाएगा यह √2, क्या हो गया √2। सेक 45° का मान आ गया √2, लिख देते हैं। इसी प्रकार हम 60° और 90° का मान निकालते हैं। यहाँ पर लिखा है सेक 60° तो क्या करेंगे, cos 60° में 1 से भाग दे देते हैं। जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, वही हमारा sec 60° का मान निकल आएगा। चलिए देते हैं, यह है sec 60°। 1 में हम cos 60° के मान से भाग दे देते हैं। आइए देखते हैं cos 60° का मान कितना है। देखिए दोस्तों, cos 60° का मान जो है वह 1/2 है, तो लिख देते हैं यहाँ पर 1/2। जब इस 2 को ऊपर लेंगे तो इसका मान आ जाएगा 2, तो हो जाएगा sec 60° का मान 2। यहाँ पर लिख देते हैं sec 60° का मान हो गया 2। सेम यहाँ पर फिर ऐसे लिखेंगे, जब यहाँ पर 90° का मान जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1 में cos 90° से भाग दे देंगे। चलिए भाग देकर देखते हैं, 1 में cos 90° का मान कितना है। cos 90° का मान देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 0। तो क्या करेंगे, 0 में जब हम 1
वन में जब हम जीरो से भाग देंगे तो कहा था जब भी जीरो का किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उसका मान इनफाइनाइट आता है। तो यहाँ पर इसका मान इनफाइनाइट आ गया, तो हो गया sec 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट हो गया। ये निकाल लिया हमने, sec का मान निकाल लिया। अब आपको हमने पहले वीडियो में जैसा कि बताया था साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो क्या हो जाएगा, कोसेक इक्वल टू वन बाई कोसेक थीटा इक्वल टू वन बाई साइन थीटा। अगर इसको यहाँ कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि कोसेक का उल्टा साइन थीटा होता है। अगर हम यहाँ पर कोसेक जीरो डिग्री लिखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा वन बाई साइन जीरो डिग्री। अगर यहाँ कोसेक जीरो डिग्री लिखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा साइन जीरो डिग्री। अब आपको पता है साइन जीरो डिग्री का मान कितना होता है, जीरो। साइन जीरो डिग्री का मान जो होता है वह होता है जीरो। आपको हमने बताया था जब भी जीरो का किसी भी अशून्य संख्या में भाग देते हैं तो उसका मान इनफाइनाइट आ जाता है। यह हो गया, इसका मान इनफाइनाइट आ गया। यहाँ पर लिख देते हैं कि कोसेक जीरो का मान इनफाइनाइट, मतलब कि इसे हिंदी में कहते हैं परिभाषित नहीं किया जा सकता। जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता उसको हम इनफाइनाइट कह देते हैं। ठीक इसी प्रकार हम अगर कोसेक जब कोसेक 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर वन बाई साइन 30 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री इक्वल टू होता है वन बाई साइन 30 डिग्री। तो क्या करेंगे, आपको पता है साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है वन बाई टू। जब हम दो को ऊपर लेते हैं तो इसका मान हो जाएगा दो। इस दो को हमने ऊपर ले लिया तो क्या हो गया, दो। आप कह सकते हैं कि कोसेक 30 डिग्री का मान कितना है, दो। आपने कोसेक 0 डिग्री का मान निकाला इनफाइनाइट, कोसेक 30 डिग्री का मान निकाला दो। इसी प्रकार हम 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान निकालेंगे। यहाँ पर सिर्फ थीटाओं का मान चेंज करते रहेंगे, अपने आप उनका मान निकलता चला आएगा। हमने यहाँ अब 45 डिग्री का मान निकालते हैं। जब कोसेक 45 डिग्री का मान निकालेंगे तो हो जाएगा वन बाई साइन 45 डिग्री। आपको पता है साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, वन बाई रूट टू। लिख देते हैं यहाँ पर वन बाई रूट टू। इस दो को जब हम ओपन लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट टू बाई वन। जब वन का रूट टू में भाग देंगे तो उसका भी आएगा रूट टू। आपने 45 डिग्री का मान निकाल लिया, कितना आया, रूट टू। यहाँ पर लिख देते हैं, ये आ गया कोसेक 45 डिग्री का मान रूट टू आ गया। फिर थीटा का मान चेंज करके देखते हैं। हमने लिया 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, अब 60 डिग्री की बारी है। अब हम यहाँ पर कोसेक 60 डिग्री ले लेते हैं तो हो जाएगा उसका वन बाई साइन 60 डिग्री। अब आइए देखते हैं इसका क्या होता है। वन में साइन 60 डिग्री के मान से भाग दे देते हैं, क्या है साइन 60 डिग्री का मान है रूट थ्री बाई टू। साइन 60 डिग्री का मान है रूट थ्री बाई टू। जब हम दो को ऊपर लेंगे तो हो जाएगा टू बाई रूट थ्री।
जब हम दो को ऊपर लेते हैं तो इसका मान हो जाता है 2/√3। यह आ गया cosec 60 डिग्री का मान 2/√3। अब लास्ट 90 डिग्री का मान निकालते हैं। अगर यहाँ पर हम cosec 90 डिग्री लिखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा sin 90 डिग्री। यहाँ पर हमने cosec 90 डिग्री लिखा तो यहाँ पर हो गया sin 90 डिग्री। अब क्या करेंगे, 1 में sin 90 डिग्री से भाग दे देते हैं। sin 90 डिग्री का मान कितना है, 1। जब 1 से 1 में भाग देते हैं तो कितना आता है, वह भी 1 ही आता है, तो यह आ गया 1। देखिए दोस्तों, हमने बहुत ही आसानी से पूरे इस टेबल का मान निकाल लिया। अगर इसका उल्टा से करेंगे, इसके आगे वाले अगर 90 डिग्री है, इसके बाद 120 डिग्री का है, तो उसका उल्टा करते चले जाएंगे तो इन सब का मान आ जाएगा। अब हम आपको बता देते हैं कि इसको रटना नहीं, अब यही ट्रिक अपनाएंगे तो बहुत ही आसानी से इस पूरे टेबल को अपने आप बना सकते हैं। आइए और एक बात बताते हैं, इसमें क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन बहुत ही दिक्कत नहीं आता, ऐसे लिखा रहेगा आपको। ऐसे आएगा, आपको बता दें कि साइन और कॉस, साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में कब बराबर होते हैं, आपको पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपको फिर भी बता देते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा तब बराबर होते हैं जब इनके थीटाओं का योग कितना होता है, 90 डिग्री। साइन थीटा कॉस थीटा, टाइन थीटा कॉस थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा, ये सब आपस में तब बराबर होंगे जब इन दोनों के थीटाओं का योग 90 डिग्री होगा। अगर यहाँ ए लिख देते हैं और यहाँ बी लिख देते हैं, साइन ए इक्वल टू कॉस बी, तो हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, तभी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर आपको दे दिया जाए साइन 45 डिग्री कॉस के कब बराबर होगा, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा के दोनों थीटाओं का योग जब 90 डिग्री होगा, जब 90 डिग्री होगा तब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। या आपस में कब बराबर होंगे, अगर हमने यहाँ 45 डिग्री लिख दिया तो अब ये आपस में बराबर हो गए। कैसे बराबर हो गए, क्योंकि इसका थीटा जो है 45 डिग्री है और इसका थीटा जो है वह भी 45 डिग्री है। क्या हो गया, 90 डिग्री, 45 और 45 हो जाते हैं 90। अब हम कह सकते हैं कि इन दोनों की थीटाएँ जो है 45 डिग्री 45 डिग्री हैं, तो इनको जोड़ देते हैं। जब जोड़ देंगे तो आ जाता है 90 डिग्री, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। अगर बात आ जाती है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की, तब आप कैसे निकालेंगे, यही रूल अपनाया जाएगा। जब दोनों के थीटाओं का योग 90 डिग्री हो जाएगा तभी ये दोनों आपस में बराबर होंगी। कैसे होंगी देख लीजिए, अगर यहाँ साइन 1 डिग्री दे दिया जाए, अगर यहाँ साइन 1 डिग्री दे दिया जाए तो यह कॉस के कब बराबर होगा, आप कह सकते हैं कि भैया जब कॉस का मान 89 डिग्री होगा। जब कॉस का मान 89 डिग्री होगा तभी ये आपस में बराबर होंगे, क्योंकि इन दोनों के थीटाओं का जो योग होगा तभी तो 90 डिग्री होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है,
इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस वाई तथा कॉस थ्री एक्स प्लस वाई है तो क्वेश्चन ऐसे देगा तथा नहीं, क्वेश्चन ऐसे ही आपको देगा परीक्षा में, लिखा रहेगा साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस थ्री एक्स प्लस वाई है तो टेन टू एक्स प्लस वाई का मान बताइए। ये दोनों अगर आपस में बराबर हैं तो टेन टू एक्स प्लस वाई का मान बताइए। आपको हमने पहले ही बताया था कि जब इनके साइन थीटा और कॉस थीटा, जब साइन थीटा और कॉस थीटा के दोनों डिग्रियों का मान, मतलब कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान जब 90 डिग्री हो जाता है, जब इनके दोनों डिग्रियों का मान जब हम जोड़ते हैं और आ जाता है 90 डिग्री, तभी ये आपस में बराबर होते हैं। तो क्या करेंगे, ये भी डिग्री का स्थान पर दिया है एक्स प्लस वाई और यहाँ दिया है थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या करेंगे हम 90 डिग्री, तभी तो ये आपस में बराबर होंगे। अगर यहाँ दे दिया जाए साइन ए बराबर कॉस बी, तो ये आपस में कब बराबर होंगे, ए प्लस बी जब हो जाएगा जब इन कॉस थीटा और साइन थीटा के दोनों थीटाओं का योग जब 90 डिग्री हो जाता है, तभी ये आपस में बराबर होते हैं। देखिए थीटा की जगह पर ए लिखा था हमने, ए लिख दिया, यहाँ कॉस थीटा की जगह पर बी लिखा था, यहाँ बी लिख दिया और बराबर 90 डिग्री कर दिया, तभी तो ये आपस में बराबर हो गए हैं। ठीक इसी प्रकार इसका प्लस करेंगे एक्स प्लस वाई और प्लस 3x plus y equal to 90 degree, तभी तो ये आपस में बराबर होंगे। तो चलिए करके देखते हैं, यहाँ पर है x plus y, यहाँ पर है इसका जब तीन में तीन का जब एक बार x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा, जब तीन का x में इसका एक बार x में गुणा होगा एक बार y में गुणा होगा, जब तीन का x में गुणा करते हैं तो हो जाता है 3x plus एक बार जब इसका y में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3y इक्वल टू 90। देखिए इसकी थीटा का और इसकी थीटा का दोनों हमने योग कर दिया, आया 90 डिग्री। अब हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं क्या आंसर आएगा। यहाँ पर लिखा है 3x और यहाँ पर लिखा है x, 3x और प्लस x इक्वल टू हो जाएंगे 4x, यहाँ 3x है यहाँ पर 1x और है, जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाता है 4x, यहाँ पर है 3y, यहाँ पर है y, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 1 4, तो हो जाएगा 4y बराबर 90 हो गया ना। अगर हम अब कैसे सॉल्व करें, क्या करेंगे, यहाँ पर भी 4 है यहाँ पर भी 4 है, अगर हम 4 को कॉमन ले लेते हैं, 4 को अगर हमने कॉमन ले लिया तो हो जाएगा x प्लस y इक्वल टू 90 डिग्री। 4 को जब हमने कॉमन लिया तो हो गया x प्लस y 4x प्लस y इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या करेंगे, अगर हमने इसमें इसमें 2 से भाग दे दिया तो कितना आएगा, यहाँ पर 2x प्लस वाई इक्वल टू 45 डिग्री, यही तो आएगा। 2 का जब हम 4 में भाग देंगे तो आता है 2, 2 का जब 90 डिग्री में भाग देंगे तो आएगा 45 डिग्री, तो लिख देंगे यहाँ पर 2x प्लस वाई इक्वल टू 45 डिग्री। और यहाँ किसका मान निकालने के लिए हमको कहा था tan 2 x plus y,
टाइम टू, यही निकालने के लिए हमको कहा था। अब क्या करेंगे, टेन टू टू एक्स प्लस वाई यहाँ लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है टू एक्स प्लस वाई। टू एक्स प्लस वाई का मान कितना है, 45 डिग्री है ना। टू एक्स प्लस वाई का मान है यहाँ पर 45 डिग्री। तो क्या करेंगे, टू एक्स प्लस वाई की जगह पर हम 45 डिग्री लिख देते हैं। अब tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, tan 45 डिग्री का मान जो होता है वह 1 होता है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। ऐसे ही आपका आंसर आ गया, आपको कुछ करना नहीं पड़ा, बहुत ही आसानी से आपने क्वेश्चन का आंसर ला दिया। आपको अगर टेबल ना समझ में आई हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बगल में बेल का आइकन होगा उसे प्रेस कर दीजिएगा और ऑल का ऑप्शन चुन लीजिएगा। इससे क्या होगा कि अगर कोई भी नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। अगली बार हम फिर इससे भी कुछ नई वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।